नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। इस देश में चुनाव ना हो तो लगता है सियासत नहीं है, चुनाव ना हो तो लगता है कोई नीति ही नहीं है, चुनाव ना हो तो लगता है सरकार भी नहीं है। इन बातों का जिक्र क्यों कर रहे हैं, मास्टर स्ट्रोक में बात होगी, लेकिन पहले आठ खबरें। इन आठ खबरों के मद्देनजर समझने की कोशिश कीजिए, महाभियोग पर जंग है दोबारा। जिसका फैसला उपराष्ट्रपति ने किया था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर खटखटाया गया और वह एडमिट हो गया है। सुनवाई पठानकोट में होगी, यानी परिवार वालों का खौफ, और वकील ने कहा था कि जिस तरीके से स्थिति है सुनवाई बाहर होनी चाहिए। कठुआ कांड की सुनवाई अब पठानकोट में होगी और सीबीआई जांच नहीं होगी। सिस्टम ठप है, आज खास इंटरव्यू आपको दिखाने वाले हैं। अरुण शौरी, जो एक वक्त वाजपेयी सरकार में डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका मौजूदा वक्त को लेकर क्या कहना है। मोदी पर वार किया है राम जेठमलानी ने, कहना है कि ब्लैक मनी पे हमने जो भरोसा किया वो बिल्कुल बेकार की बात थी, और उनका कहना है सब कुछ हवा हवाई हो गया। मोदी को कानूनी नोटिस, ना सिर्फ मोदी को बल्कि अमित शाह को भी नोटिस दिया गया है, येदियुरप्पा को भी दिया गया है सिद्धारमैया की तरफ से, कि आप जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं और आप बताएं जो आरोप लगा रहे हैं सही है, नहीं तो कानूनी नोटिस। बंगला छिनेगा, यूपी के तमाम जो पूर्व मुख्यमंत्री थे सभी के पास आजीवन बंगला था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा छीन लिया जाए तो छीन लिया जाएगा। 13 राज्यों में अलर्ट है तूफान को लेकर, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कब तूफान आहट देगा इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। मौसम विभाग कह रहा है जबरदस्त होगा। असद को धमकी है इसराइल की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से, कि अगर सीरिया को जगह दी तो फिर ईरान को माने इस रूप में छोड़ा नहीं जाएगा और फिर से वो युद्ध की आहट हो चली है इसराइल की तरफ से। यह तो ये आठ तस्वीरों के मद्देनजर मास्टर स्ट्रोक में आज बात होगी। मास्टर स्ट्रोक में जिक्र हम शुरुआत में ही कर चुके हैं कि डेमोक्रेसी वाकई जिंदाबाद के नारे क्यों लगते हैं, और अगर डेमोक्रेसी जिंदाबाद का मतलब है तो फिर इसका मतलब होता क्या है। हमने चुनाव का जिक्र किया, लेकिन आज हम शुरुआत में एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान का तेल सीमा पार जाता है, वहां और यहां की कीमत में अंतर होता है। भारतीय यहां से निकलता है और वो सीमा पार जाता है और वहां से तेल लेकर यहां आ जाता है, फायदा उसी को हो जाता है। ये कौन सी स्थिति है, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। क्योंकि आम लोगों की तो ये पहुंच से बाहर हो जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा। ये तो सरकार का अपना स्कीम है, ये पब्लिक परेशान हो रही है, सरकार को इसे क्या मतलब। आप कर क्या रहे हो पहले तो बताओ। पेट्रोल बढ़ा दिया, डलाने वाला तो डलाएगा, साइकिल तो चलाएगा नहीं। 50 पैसे कम होंगे तो 5 रुपए बढ़ा देंगे, 4 रुपए बढ़ा देंगे, 3 रुपए बढ़ा देंगे, क्या कर सकते हैं। तो पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों से दिल्ली के लोग परेशान है, उस दिल्ली के जहाँ से देश की सत्ता चलती है, प्रधानमंत्री रहते हैं, जहाँ की सत्ता बड़े बड़े दावे करती है, वादे करती है। लेकिन आइए हम आपको दिल्ली से 1897 किलोमीटर दूर असम के बक्सा जिले लिए चलते हैं, जहां अमूमन सत्ता के दावों की गूंज पहुंच नहीं पाती। लेकिन सुदूर पड़े इस इलाके के लोग दिल्ली के लोगों की तुलना में 20 से 22 रुपए कम में पेट्रोल और डीजल पा जाते हैं। चौंकिए मत, ये देखिए गाड़ियों की ये कतार, और ये नजारा बक्सा जिले के सीमावर्ती बॉर्डर का है, जहां से ये गाड़ियां पल में भूटान के समड्रप जोंगफार पहुंच जाती हैं, बिना किसी चेकिंग के, बिना किसी झंझट के। तो नेशनल हाईवे नंबर 127 टी के रास्ते हर दिन सैकड़ों लोग भूटान जाते हैं, पेट्रोल डीजल खरीदते हैं और फिर पेट्रोल डीजल लेकर बेहिचक वापस आ जाते हैं। वहाँ से कोई रोक टोक नहीं, कोई मना नहीं, कोई मना नहीं, गाड़ी में भर सकता है। एक दिन में जितना आपको तेल चाहिए बार बार जाते रहिए। हाँ, 10 ट्रिप भी जा सकते हैं, वो तब जाके इधर ब्लैक में बेच सकते हैं। जैसे अभी सपोज अभी मेरा बाइक में तेल नहीं है तो हम अभी उपाय नहीं, हमको जाना है कहीं दूर, तो हम 70 या पर लीटर का भी 100 भी हो जाता है, तो हम पेट्रोल पंप पेट्रोल 100 रुपये पर लीटर भी भरा है हम इंडिया में, वही भूटान का ही पेट्रोल है। वो लोग इंडियन पैसा में ही पैसा लेता है, भूटानी पैसा में? भूटान पैसा, इंडिया पैसा कोई करेंसी भी होने से, इंडियन करेंसी या भूटान करेंसी में होता है। तो भूटान और भारत के संबंध कुछ इस तरीके से है कि भूटान में भारतीयों का कोई परिचय पत्र भी नहीं देखता, भूटान की मुद्रा भारतीय रुपए के बराबर ही है, तो सौदा चौखा साबित होता है। लेकिन अब जरा इस पूरे खेल को समझ लीजिए, असम में पेट्रोल की कीमत 76 रुपए लीटर है, जबकि भूटान में सिर्फ 52 रुपए लीटर, यानी आधे किलोमीटर से भी कम की दूरी चलिए और 20 रुपए से ज्यादा सस्ता पेट्रोल आपको मिल जाएगा, क्योंकि वह दूसरा देश है।
पर चौंकिए मत, दरअसल ये पेट्रोल भारत से ही भूटान जाता है। इस सिलसिले को समझना चाहते हैं तो आगे बढ़िए। और अब आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि भूटान में जो पेट्रोल 52 रुपए मिल रहा है, या कहें भारतीय शहरों से 20-22 रुपए कम में मिल जाता है, वो पेट्रोल डीजल भूटान में कहीं और से नहीं बल्कि भारत से जाता है। जी, भारत ही भूटान को पेट्रोल डीजल भेजता है। दरअसल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड भूटान में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई करते हैं। 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हो गया, एक देश एक टैक्स, और भूटान में किए जाने वाले सभी निर्यात 0 रेटेड हो गए। तो भूटान से जो एक्साइज ड्यूटी भी ली जाती थी, वह भी उसे लौटा दी जाती है। इस वजह से भूटान में पेट्रोल की कीमत में 17% और डीजल की कीमत में 14% की कटौती हो जाती है। इससे भूटान के राजस्व में भी कमी आई है, लेकिन भूटान की सरकार लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है। लेकिन हिंदुस्तानी लोगों ने बॉर्डर के जरिए भूटान को अपने फायदे का जरिया बना लिया। कुछ लोग इसीलिए भूटान जाकर पेट्रोल डीजल भरवाते हैं क्योंकि बसका के सीमावर्ती इलाकों में ज्यादा पेट्रोल पंप नहीं है, तो कुछ लोग सीधे सीधे कालाबाजारी के लिए, क्योंकि 1 लीटर पर झटके से अगर 20 से 22 रुपए का फायदा हो रहा है तो फिर 100 लीटर का तेल ही ले आएंगे तो दिन भर का काम तो निकल ही आएगा। नहीं मिलता है तेल तो यहाँ से लेना पड़ जाता है। वहाँ तेल का क्या रेट है? वहाँ 52। कुछ लोग इंडिया से, इंडिया का ही तेल वो लोग खरीदते हैं? हाँ, इंडिया का ही, सब्सिडी के साथ। हाँ, इंडिया का ही। फिर वो लोग तो अपने देश के लोगों के लिए खरीदते हैं? हाँ, फिर हमारे देश के लोगों को भी खरीदना पड़ता है वहाँ जाकर। हाँ, करना पड़ता है। क्या पेट्रोल पंप नहीं है? पेट्रोल पंप नहीं है। और भूटान से लाया हुआ पेट्रोल भारत में किस तरीके से दुकानदार खुली बोतलों में बेचते हैं, इसका नजारा भी देख लीजिए। तो असम में 2016 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद हर तरह के टैक्स चेकिंग गेट्स हटा दिए गए थे, तो खुले बॉर्डर अब कालाबाजारी का जरिया बन गए। लेकिन लोग खुश हैं क्योंकि उन्हें सस्ता पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। लेकिन मुश्किल तो यह है कि पेट्रोल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो एक ही होती है, और दुनिया के अलग अलग देशों में हर कोई टैक्स के लिहाज से अपनी कमाई करता है। और दुनिया के मानचित्र को अगर देखना शुरू कर दीजिएगा तो भारत टैक्स के जरिए पेट्रोल डीजल से कमाने वाला अव्वल नंबर का देश है। तो ऐसे में अगर भूटान से पेट्रोल लाकर लोग हिंदुस्तान में काम चलाते हैं और हिंदुस्तान का ही पेट्रोल भूटान जाता है, तो फिर इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। भूटान बॉर्डर से अंजनील कश्यप की रिपोर्ट। आपके जहन में भूटान शब्द सुन के डोकलाम याद आ रहा होगा, आपके जहन में याद आ रहा होगा प्रधानमंत्री मोदी, पहली यात्रा उन्होंने भूटान की ही की थी। लेकिन जिक्र पेट्रोल डीजल का हो रहा है, हम पेट्रोल डीजल की सियासत आपको समझाएं, उससे पहले एक सच समझ लीजिए, हिंदुस्तान में हर परिस्थिति में चुनाव ही सब कुछ हो चला है। कर्नाटक चुनाव हो रहे हैं, जो कहा जाएगा उसके मद्देनजर कहा जाएगा, जो निर्णय लिए जाएंगे उसी के मद्देनजर निर्णय लिए जाएंगे, जिन बातों का जिक्र होगा वो कर्नाटक चुनाव के लिए ही जिक्र होगा। पहले इस रिपोर्ट को देखिए फिर लौटेंगे, इसका जिक्र हमने क्यों किया। तो नामदार हैं हम, तो कामदार है हम, तो अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकते हैं। राहुल बाबा ने कर्नाटक में हार को स्वीकार कर लिया, फिर राहुल बाबा यहाँ से सीधे मानसरोवर जाने वाले हैं। सड़कों के बारे में नहीं बोल सकते, रोजगार के बारे में नहीं बोल सकते, किसानों के बारे में नहीं बोल सकते, शिक्षा के बारे में नहीं बोल सकते। मने मने होगी यहाँ मतदार नम वोट कोडला तनिंग लंच होता। No prime minister has used say things in a manner which Modi ji has been following. तो कर्नाटक चुनाव की आवाज दिल्ली ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सुनाई दे रही है, क्योंकि देश कर्नाटक चुनाव के रंग में कुछ इस तरीके से रंगा जा चुका है, जिसे जो बात करनी है, जिसे जो कहना है, जिस रूप में भी कहना है, उसके केंद्र में और कुछ नहीं, कर्नाटक के वोटरों को या तो साथ लाना है या फिर डरा देना है। और ये सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं बल्कि अलीगढ़ में जिन्ना की आवाज को लेकर भी आवाज कर्नाटक पहुंच जाती है। सेंट स्टीफन्स में चर्च पर मंदिर यही बनेगा लिखने का अंदाज भी कर्नाटक पहुंच जाता है। और हरियाणा में खुले में नमाज को लेकर बवाल, और इसकी काट के लिए मनमोहन सिंह कर्नाटक पहुंचकर ये बताने से नहीं चूकते नोटबंदी और जीएसटी ने किस तरह देश का बंटाधार किया। टैक्स रेट्स हैज बिकम ए डेली रूटीन ऑफ द मोदी गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक कैन नॉट बी ट्रस्टेड इवन टू काउंट द रिटर्न्ड नोट्स इफेक्टिवली एंड इन टाइम।
That has never happened before. तो हर किसी के पास अपनी धार के मुताबिक हथियार है, पर निगाहों में कर्नाटक चुनाव ही है। एक तरफ हिंदू वोट का ध्रुवीकरण करना है तो मुसलमान पाकिस्तान या वर्जिन्ना के बोल, और दूसरी तरफ विकास की पोल को खोलने के अंदाज में कांग्रेस का मोदी सरकार पर सीधा चोट। यानी कर्नाटक के मुद्दे गायब, कर्नाटक के वोटरों को सिर्फ मैनिफेस्टो के लॉलीपॉप थमाकर शांत कर दिया गया है। पर हंगामा यही है कि चुनाव ही देश है, चुनाव ही विकास है, चुनाव ही गरीब की रोटी है, चुनाव ही बेल्लारी का सच है। यानी सत्ता रहेगी तो कोई पूछेगा हिंदुत्व या विकास होता क्या है, सत्ता नहीं रहेगी तो कौन पूछेगा और कौन बताएगा और कौन सुनेगा कि विकास का मतलब क्या है, हिंदुत्व जीने का तरीका कैसे हो चला है। तो बीते 10 विधानसभा चुनाव में 63% मोदी मंत्रिमंडल चुनाव प्रचार में ही लगा रहा। बिहार यूपी चुनाव में तो 72% मोदी मंत्रिमंडल चुनाव प्रचार में गया। तभी तो कर्नाटक चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ये कहने से नहीं चूकते, जीतते आ रहे हैं, जीतते रहेंगे और यह भी जीतेंगे। देश की जनता ने एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी को विदाई कर दिया है। देश के हर कोने में से कांग्रेस कर्नाटक में भी पक्का अब बच नहीं सकती। सारे देश पर कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी समेत दर्जन भर कैबिनेट मिनिस्टर घूम रहे हैं, तो क्या देश के सारे निर्णय, सारे फैसले, सारे धंधे चुनाव के लिए ही होते हैं? कैसे, आइए इसे परख लें। यकीन जानिए सब कुछ चुनाव के लिए होता है। इस बात का जिक्र हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमने एक रिपोर्ट आपको पेट्रोल पे दिखाई कि क्या स्थिति है बॉर्डर पे, लेकिन अब एक दूसरी स्थिति दिखाते हैं। और इस स्थिति का मतलब ये है चुनाव हो रहे हैं इसलिए पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ रही है, चुनाव कल खत्म होंगे आसमान छूने लगेगी कीमत। रिपोर्ट देख लीजिए। नरेंद्र मोदी जी प्राइस राइज के बारे में एक शब्द नहीं कहते हैं, दाम बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोलियम और डीजल को उन्होंने जीएसटी से बाहर निकाल रखा है और पूरा का पूरा फायदा उनके 5-10 उद्योगपति मित्रों को जा रहा है। जो पैसा हमारी गरीब जनता के पास जाना चाहिए वो नरेंद्र मोदी जी के मित्र ले रहे हैं। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ कर्नाटक के कुलार में बैलगाड़ी और साइकिल पर सवार होकर कांग्रेस अध्यक्ष ने सीधा निशाना प्रधानमंत्री मोदी पर साधा। तो क्या वाकई पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी तो बैलगाड़ी और साइकिल युग आने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कर्नाटक चुनाव ने ही तेल की कीमतों को थाम रखा है, अन्यथा इसकी रफ्तार क्या होती। ये इससे भी समझा जा सकता है कि देश के तमाम महानगरों में बीते 15 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जबकि बीते 15 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है। और सच तो ये है कि अप्रैल में जहां पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम कंपनियों को औसतन 3.5 रुपए मार्जिन मिल रहा था, वो मई में घटकर 1.90 रुपए हो चुका है। बावजूद इसके पेट्रोलियम कंपनियां दाम नहीं बढ़ा रही। तो क्या ये सरकार का दबाव है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 17 जून 2017 से पेट्रोल डीजल की कीमतों की हर दिन समीक्षा की जा रही है, और तब से ऐसा पहली बार हुआ जब तकरीबन 2 हफ्ते से कोई बदलाव हुआ ही नहीं है कीमतों में। यानी जब सरकार चाहती है कि दाम ना बढ़े तो नहीं बढ़ते, और जब सरकार चाहती है कि दाम बढ़े तो बढ़ने लगते हैं। तो याद कीजिए गुजरात चुनाव से पहले भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जैसी सरकारी कंपनियों ने वहां पेट्रोल डीजल की कीमतों में तकरीबन 15 दिन तक लगातार 1-3 पैसे की कटौती कर दी थी। और जब मामला ये उभरा कि चुनाव में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, तो चुनाव से पहले सरकार ने पहली और इकलौती बार 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी भी घटा दी है। जबकि मोदी सरकार का सच तो यही है सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाती नहीं है। 4 वर्ष में 10 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई, 3,10,000 करोड़ रुपए सरकार ने खजाने में डाले, लेकिन एक्साइज ड्यूटी घटाई सिर्फ एक बार, वह भी गुजरात चुनाव के बाद। तो क्या चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेगी? सच यही है अगर एक्साइज ड्यूटी घटाई नहीं गई तो फिर कर्नाटक चुनाव के बाद पेट्रोल 90 रुपए पार होगा और डीजल 80 रुपए लीटर होगा। तो सवाल सीधा है, देश में चुनाव के लिए हर नीति बनती है, हर प्लान होता है,
यानी लोकतंत्र का मतलब ही सिर्फ और सिर्फ चुनाव है। जीत गए तो वाह वाह, यानी सारे नियम कायदे चुनावी हार जीत के समीकरण में सरकारी कामकाज के समा जाते हैं। तो जनता क्या उम्मीद करे, हर वक्त चुनाव ही होते रहे ताकि महंगाई काबू में रहे। वैसे दिलचस्प तो यह भी है कि एक दौर था जब मोदी पेट्रोल डीजल की कीमतों की बढ़ोतरी पर सीधे मनमोहन सरकार पर निशाना साधते थे और चार बरस में हाल उल्टा हो गया। अब मनमोहन सिंह मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं। दोनों सुन लीजिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सरकार ने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस इन इंडिया आर एट एन हिस्टोरिक हाई बिकॉज द मोदी गवर्नमेंट स्टेड ऑफ पासिंग ऑन द बेनिफिट्स ऑफ लो प्राइसेस टू द पीपल, द मोदी गवर्नमेंट हैज सॉट टू पनिश आवर पीपल। बात यहीं थम जाए तो भी ठीक, बात तो इससे आगे जाती है। आगे जब बात जाती है तो क्या होता है, काला धन भी इस चुनाव में मायने नहीं रखता। चुनाव है तो ये खेल चलता रहेगा। कैसे, रिपोर्ट देखिए। यह रकम सिर्फ 140 करोड़ की है, पर आशंका जताई गई कर्नाटक चुनाव में वोटरों को प्रभावित करने के लिए ये रकम खर्च की जानी थी, पर पकड़ में आ गई और सिलसिला थमा नहीं है। ये दो तस्वीरें बीते हफ्ते की हैं, जब कर्नाटक में चुनावी सरगर्मी से पहले पुलिस ने मोटी रकम बरामद की। बेंगलुरु के पास नेला मांगला में 1 मई को पुलिस ने उस वक्त एक कार से 9 करोड़ रुपए जब्त किए जब वो बेंगलुरु से शिवामोगा जा रही थी। तो आज तुमकुल में गजनाना नाम की प्राइवेट बस से 2,98,00,000 रुपए बरामद हुए। तो धुआंधार नकदी पकड़ी जा रही है और अब तक 140 करोड़ रुपए नकद या आभूषण के रूप में पकड़े जा चुके हैं। यानी चुनावी भाषण में नैतिकता और ईमानदारी के तमाम ढोल इस सच के आगे बेसुरे हो जाते हैं कि वोटरों को खरीदने की कोशिश तो हो ही रही है। हम 2022 में किसान की आय दोगुना करके रहेंगे। हमने आपको मैनिफेस्टो दिया 5 साल पहले, 90% से ज्यादा चीजें हमने करके आपको दे दी और जितनी रकम पकड़ी गई उससे कई गुना ज्यादा रकम पकड़ में नहीं आई। ये कर्नाटक चुनाव का दूसरा सच है। लेकिन सवाल यह है, क्या आपने सोचा चुनाव के दौरान पकड़ी जाने वाली नकदी, शराब या फिर दूसरी आपत्तिजनक चीजों के मामलों का हश्र होता क्या है? तो जान लीजिए, चुनाव के वक्त ब्लैक मनी ले जाने वाले आरोपियों को कोई सजा होती नहीं। यानी चुनाव खत्म तो खेल खत्म, न चुनाव आयोग की सख्ती न अदालत में पैरवी सख्ती। और इसके लिए टेस्ट केस अगर कर्नाटक कहीं बेल्लारी लोकसभा का चुनाव 2014 का ले लीजिए, तो चुनाव आयोग ने प्रतीक परशुरामपुरिया के पास से 20,48,355 रुपए 2014 में बरामद किए। आईपीसी की धारा 171 ई और 188 में केस दर्ज किया, लेकिन हाईकोर्ट ने केस निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा FIR में ये नहीं बताया गया कि आरोपी किसे रिश्वत देना चाहता था और वो कौन सा तरीका अपनाने वाला था। तो सिर्फ कर्नाटक चुनाव ही क्यों, याद कीजिए बिहार चुनाव के वक्त 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 900 करोड़ का खेल हो रहा था। यूपी चुनाव के वक्त 357 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 1000 करोड़ से ज्यादा का खेल ये कर रहे थे। पर चुनाव खत्म तो खेल खत्म, यानी इतना काला धन कौन लाता है, कहां से लाता है, किसे बांटा जाता है, इससे चुनाव कितना प्रभावित होता है, इस पर कोई चिंता किसी को चुनाव के बाद होती नहीं। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामलों में कार्रवाई न होने पर चिंता जताई है, केंद्र चुनाव आयोग को तलब किया है। लेकिन यहीं से दूसरा सवाल खड़ा होता है, क्या देश का मतदाता मुफ्तखोरी और रिश्वतखोरी के खेल में इतना फंस गया है या फंसा दिया गया है कि राजनीतिक दलों को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि 5 बरस सत्ता चलाई किया क्या? क्योंकि एक तरफ कर्नाटक चुनाव में काले धन को बांटना है, दूसरी तरफ घोषणा पत्र सीधे ऐलान कर देता है कि हम आपको मुफ्तखोरी में ये बांट देंगे। कांग्रेस BPL परिवारों को शादी के वक्त 3 ग्राम के सोने की चेन देगी, BJP सत्ता में आई तो BPL परिवारों को 3 ग्राम सोने की थाली और 25,000 रुपए कैश देगी।
कांग्रेस 10वीं और 12वीं के छात्रों को लैपटॉप फ्री में देने का वादा कर रही है तो बीजेपी कहती है कॉलेज में दाखिला लिए नहीं कि हर छात्र को लैपटॉप फ्री में दे दिया जाएगा। कांग्रेस 18 से 23 बरस के सभी कॉलेज छात्रों को स्मार्टफोन फ्री में देगी। बीजेपी सत्ता में आई तो बीपीएल महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन देगी। तो जरा सोचना शुरू कीजिए, अगर लोकतंत्र का मतलब ये है और चुनावी मुफ्तखोरी और रिश्वतखोरी पर यह इस तरीके से आटिका है तो फिर ये सारा पैसा आता कहाँ से है, कौन देता है और लुभावनी घोषणा पत्र के जरिए इसे राजनीति का एक पहलू बनाकर कैसे लोकतंत्र के राग गाए जाते हैं। और नतीजा इसी का कि कर्नाटक में 447 उम्मीदवार ऐसे जिनकी संपत्ति 5 करोड़ से ज्यादा और प्रिया श्रीकृष्ण की संपत्ति 1020 करोड़, एमटीबी नागराज की संपत्ति 1015 करोड़ और डीके शिवकुमार के पास 840 करोड़ के करीब संपत्ति, फिर भी ये विधायक बनना चाहते हैं, है ना अजीब। एक ऐसा शख्स जिसकी पहचान पत्रकार के तौर पर, जिसकी पहचान पॉलिटिशियन के तौर पर, जिसकी पहचान लेखक के तौर पर, या जिसकी पहचान मौजूदा वक्त से नाराज, मौजूदा व्यवस्था से नाराज, गुस्सा है, दुख है, आक्रोश है, त्रासदी है, कुछ भी हो सकता है, वो शख्स आज हमारे साथ है। केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, अरुण शौरी जी। अरुण शौरी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये क्यों लगता है कि अरुण शौरी मौजूदा वक्त से बेहद नाराज है, गुस्से में है, दुखी है, ऐसा क्यों लगता है? लगता है, बिल्कुल लगता है, आपकी बातों से लगता है। नहीं नहीं नहीं, तो मतलब गुस्सा क्यों वेस्ट करें इन चीज़ों पर? गुस्सा इतना स्ट्रांग इमोशन है कि क्यों वेस्ट किया जाए? तो मुझे नहीं, मगर डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है क्योंकि फिर से लोगों ने एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी और वो भी खो दी। नरेंद्र मोदी ने ही नहीं, मगर जैसे सारी व्यवस्था ने, तो और दूसरी कंट्रीज जो हैं, जो जिनका हमारे तरफ नज़रिया बहुत मतलब मेहरबान नहीं है, वो कितनी प्रोग्रेस कर रही हैं। अब आप देखिए चाइना और हमारे में कितना डिस्टेंस बढ़ गया है और चाइना का एक सिंगुलर एम है इस एरिया को डोमिनेट करना, वर्ल्ड पावर बनना, और वो आज अमेरिका को आंख दिखा रहे हैं और अमेरिका कुछ नहीं कर पा रही, जैसे कि साउथ चाइना सी में। तो ये सब देखकर नेचुरली आदमी कहता है कि भाई क्या, हमें सब कुछ है, टैलेंट है, रिसोर्सेज हैं, साइज है, मगर बात बननी, लेकिन आप क्या बने बात जहाँ बात बनाए। लेकिन आपने पहली लाइन कही कि एक बेहतरीन मौका मिला, तो आप क्या मानते हैं कि जब पावर जो रहती है या जिसके पास बहुमत दिया जाता है वही एक मौका होता है किसी कंट्री के लिए? नहीं, वो भी एक मौका होता है अगर कोएलिशन हो, मगर कोएलिशन में सब लोग समझदार हों, या कोएलिशन चलाने वाला अटल जी जैसा हो तो, या नरसिम्हा राव जैसा हो तो वो भी, नरसिम्हा राव जी की तो गवर्नमेंट एक अल्पसंख्यक गवर्नमेंट थी, माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, और फिर भी वो उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी रिफॉर्म्स कर दी। तो मगर अगर वो कैपेबिलिटी ना हो लोगों को, सबको साथ लेकर चलने की, तो फिर एक व्यक्ति तो अपना काम करे जिसको कि बहुमत दिया गया है, तो वो नहीं हुआ। जब एक व्यक्ति का जिक्र होता है तो इंस्टीट्यूशंस माइनस हो जाते हैं। हाँ नहीं नहीं, उस व्यक्ति को इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे कॉन्टिनेंट को एक व्यक्ति तो चला नहीं सकता। So, यही सबसे बड़ा फेलियर है और इसी चीज़ का सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस होगा। देखिए मिसेस गांधी की कितनी बड़ी अचीवमेंट थी बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में, उनका इतना सहयोग था, मगर उनका जो लास्टिंग इफेक्ट हुआ वो ये हुआ कि उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करना शुरू किया, और उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी, क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कि भाई कोई उनके कद जैसा व्यक्ति रह सके, तो जिसका भी कोई बेस हो उसको काटते रहो। तो अंत में मैंने उसी समय लिखा था कि अंत में मैडम ये होगा कि किसी के पास इतनी शक्ति नहीं होगी कि वो आपको थ्रेटन कर सके, मगर किसी के पास इतनी शक्ति भी नहीं होगी कि वो आपकी मदद कर सके।
अच्छा वो अब इंदिरा करण कांग्रेस बीजेपी का हो गया, और 15 साल में नहीं वो 6 महीने में कर दिया गया, तो अब जो नए लोग चुने गए वो उनके खट्टर हैं, ये फडणवीस है, मेरा दोस्त सोनोवाल है, इनकी कोई बेस ही नहीं है, ये इनकी क्वालिफिकेशन है। अच्छा एक तरफ ये, दूसरी तरफ आप देखिए कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि वो ये कांटा और छुरी हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को देख लें, सीरियस फ्रॉड्स ऑफिस को देख लें, सीबीआई को देख लें, आईबी को देख लें, प्रोसिक्यूशन एजेंसीज को देख लें, जो एजेंसीज एविडेंस पेश करेंगे कोर्ट में उनको देख लें, और उसे वही चीज़ ब्यूरोक्रेसी में, वही चीज़ इलेक्शन कमीशन को, और वही चीज़ जुडिशरी में, हर एक चीज़ को अगर आप इंस्ट्रूमेंट मानेंगे तो वो इंस्टीट्यूशन कैसे रहेगी। और वही एक इंस्ट्रूमेंट, इसका मैं क्या प्रयोग कर सकता हूँ, इस व्यक्ति का, इस इंस्टीट्यूशन का, इस मौके का, यही दृष्टिकोण है। तो क्या ये बहुत सीरियस थ्रेट आपको लगता है, या जो डेमोक्रेसी का हमारा ढांचा है जिसमें इंस्टीट्यूशंस मैटर करते हैं, आपने अच्छा नाम लिया, खट्टर का नाम लिया, फडणवीस का नाम लिया, सोनोवाल का नाम लिया, या कोई भी आने वाले वक्त में जिसका कोई बेस नहीं है उसको आपने बैठा दिया, लेकिन हमारे यहाँ ड्राइव जो होती है पूरी डेमोक्रेसी वो तो पॉलिटिकल वे में होती है, इंस्टीट्यूशनली नहीं होती है। नहीं सर, और उसमें आपने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन की, पॉलिटिकल वे और एक बहुत पेटी पॉलिटिक्स में। आज कर्नाटक में ये इलेक्शन चल रहा है, किस स्तर पर भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बात कर रहा है, उसे हम पॉलिटिक्स मानते हैं? वो एक नया नॉर्मल सेट कर रहे हैं कि बातचीत व्यवहार ऐसा होगा, ऐसे शब्द प्रयोग किए जाएंगे, इसी तरह झूठ बोले जाए, आके जी 2,80,000 चीज ये हो गया है। अखबार में देखा, जब आंकड़े देखे गए तो श्यामलाल यादव देखता है कि उसमें 38,000 हुए सिर्फ, अनाउंस कर दिया 2,80,000। इसी हर एक चीज में ऐसे, मुद्रा में जी 5 करोड़ जॉब्स आ गए, किसी ऑफिशियल डेटा में नहीं है, इसलिए अब ऑफिशियल डेटा को चेंज किया जाएगा, जॉब्स को चेंज नहीं किया जाएगा। तो हम एक आदि हो गए हैं फॉल्स एनकाउंटर के, हम आदि हो गए हैं झूठ के, हमको आदि बनाया जा रहा है। ये जो विटनेसेस होंगे वो अपनी बात कहकर, ओथ पर बात कहकर उसको वापस ले लेंगे, कोई केसेस आगे चलेंगे, कोई केसेस आगे नहीं चलेंगे। तो ये एक नया नॉर्मल सेट हो रहा है, जो मेरे अनुमान में और किसी भी सोचने वाले के अनुमान में ये कंट्री के लिए घातक होगा। अब मेरे ख्याल से जब प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं बने थे आप साथ खड़े थे उनके, बिल्कुल चुनाव प्रचार, बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट ऑन दैट। तो फिर आपके जहन में ये सवाल नहीं आया कि ये शख्स? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं आया। इसमें मुझे, मैंने पब्लिकली कहा है कि मेरी मेरे जीवन में ये दूसरी बहुत बड़ी गलती थी, पहली वीपी सिंह को सपोर्ट करना। अच्छा, हाँ। क्योंकि वीपी सिंह को सपोर्ट किया उस समय चंद्रशेखर जी ने मुझे वार्न किया, मेरे दोस्त चोर रहे समय के द्वारा। इस बार किसी ने वार्न नहीं किया? नहीं नहीं, वार्न नहीं किया, नहीं, मेरी वाइफ और उसकी बहनों ने वार्न जरूर किया था, क्योंकि जब मीटिंग होती थी अहमदाबाद में इस प्रस्ताव वगैरह के बारे में, मैं आकर उनको बतलाता था कि ये हुआ, वो हुआ। उन्होंने कहा कि तुम उनके कैरेक्टर के ट्रेट्स को देख ही नहीं रहे, उन इंसिडेंट से जो जाहिर होता था, क्यों गुजरात मॉडल तो हर किसी के सामने था। हाँ, ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमने गुजरात मॉडल सीखा ही, पढ़ा ही नहीं, सिर्फ प्रोपेगेंडा में बह गए। सोचने की बात है, आज हम सरप्राइज हैं कि कैबिनेट को का कोई मायने ही नहीं है, पर वो तो गुजरात मॉडल था। हम इस पर सरप्राइज हैं कि भाई पार्लियामेंट फंक्शन ही नहीं कर रहा, और सेशन तो खत्म कर दिया जाता है, और बड़े से बड़े बिल को मनी बिल कहकर राज्यसभा को आवारा कर दिया जाता है, वो तो गुजरात मॉडल है। मैजिस्ट्रेट्स के कैसे क्या सलूक होगा, पुलिस का कैसे इस्तेमाल होगा, इंटेलिजेंस एजेंसीज का कैसे इस्तेमाल होगा, आज हम सरप्राइज्ड हैं, मगर वो तो गुजरात मॉडल था। उससे पता लगता है कि भाई हमने गुजरात मॉडल को मतलब किसी तरह एनालाइज ही नहीं किया। और कई व्यक्ति जैसे कि इकोनॉमी में भी, इकोनॉमिक फिगर्स में भी, मैं अपनी कन्फेशन कर रहा हूँ, इकोनॉमिक फिगर्स में मैंने गवर्नमेंट के फिगर्स को फेस वैल्यू पर लिया, मगर जैसे कि विशेषज्ञ हैं योगेंद्र अलग वगैरह,
वो इन फिगर्स को क्वेश्चन कर रहे थे। उस समय प्रणब मुखर्जी जी के कहने पर मुझे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का चेयरमैन बनाया गया था, उनकी गवर्निंग काउंसिल का। तो वहाँ के डायरेक्टर ने मुझे कहा कि साहब आप गुजरात मॉडल पर, हमारे फैकल्टी ने ये उनके फिगर्स को एनालाइज किया है, आप ये पेपर तो पढ़िए। तब तक प्रधानमंत्री बन चुके थे नरेंद्र मोदी, मगर उस सबसे ये पता लगा मुझे कि मैंने हम कई बार एक सिचुएशन से इतने खफा हो जाते हैं कि हम अल्टरनेटिव के को अच्छी तरह एग्जामिन किए बिना ही उसके पक्ष में लपक जाते हैं। नहीं, क्योंकि आप बहुत सीरियस थ्रेट बतला रहे हो, पार्लियामेंट का ना चलना, सुप्रीम कोर्ट को लेकर आप कह रहे हो, इकोनॉमी को लेकर कह रहे हो, इलेक्शन कमीशन को लेकर कह रहे हो, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो प्रीमियर इवन सीबीआई है या अपने तौर पर ईडी है, डिफेंस। अरे डिफेंस में आप वाइस चीफ, प्लीज अपने व्यूअर्स को पढ़कर सुनाइए कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने क्या एविडेंस दिया है डिफेंस कमेटी को, पार्लियामेंट की कमेटी को। वो कहते हैं कि इतनी कट्स कर दी गई हैं कि हमारे पास अब मॉडर्नाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट के लिए कुछ है ही नहीं। वो कहते हैं कि हमें एम्यूनेशन खरीद, जो एम्यूनेशन चाहिए वो सिर्फ 10 दिन का एम्यूनेशन रह जाएगा अगर कल वॉर हो जाएगी। वो कहते हैं कि भाई हमारे बेसिस पर, पठानकोट, उरी, इन बेसिस पर अटैक हो रहे हैं, और हमने प्लीड किया गवर्नमेंट को कि हमको ये स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी इसकी पेरीमीटर, और गवर्नमेंट ने इसमें दिखाया कि भी 14,000 करोड़ या 17,000 करोड़ दे दिए, मगर बजट में एक देने का एलोकेशन नहीं है। ये डिफेंस की हालत है। इसी तरह फॉरेन पॉलिसी में देखिए, एक बिल्कुल ही एक सेल्फी फॉरेन पॉलिसी। मुझे एक फॉरेन सर्विस वाले ने कहा कि सर, मैंने उससे पूछा कि अच्छा ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि इंडियन ओशन स्टेट्स में प्रधानमंत्री जाएं वगैरह, तो इसका फॉलो अप क्या हुआ, अब तो एक साल हो गया है। कहता साहब क्या कह रहे हो, फॉलो अप, आवर फॉरेन पॉलिसी इज अनदर सेल्फी, एक इवेंट है। तो आज पाकिस्तान से गले मिल लो, उनके घर में जाकर दावत खा लो, कल कह दो मैं मार दूंगा, परसों वो उनके लोग आते ही रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं। ईश्वरी साहब, लेकिन एक चीज बताइए, आप एज ए पॉलिटिशियन जरा उन स्थितियों को अगर समझें कि हमारे यहाँ धीरे धीरे चीजें कैसे डाइल्यूट हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी गवर्नमेंट के साथ जुड़ते जा रहे थे, वो किसी पोस्ट को लेते थे, एक लंबी लिस्ट है, ओके। इंस्टीट्यूशन सीबीआई को तोता मनमोहन सिंह के वक्त में कहा गया, ईडी वर्क और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ही इज अ कल्मिनेशन ऑफ दैट प्रोसेस। एग्जैक्टली, नो नो, देयरफॉर इसलिए देखिए, ये पानी आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता रहता है। एक कहावत है कि अगर आप किसी चीज को उबलते पानी में डालिए, चौंक कर एकदम बाहर आ जाएगा, बच जाएगा। अगर आप उसको ठंडे पानी में रूम टेम्परेचर पर डालिए और उस पानी को आहिस्ता आहिस्ता गर्म करते रहिए, वो उसी में मर जाएगा, बिकॉज ही बिकम्स एक्स्टम्ड टू द हायर टेम्परेचर्स। हम उस हायर टेम्परेचर को एक्स्टम हो रहे हैं। ये नहीं कि भाई मोदी ने ही सब कुछ खराब किया, बिल्कुल नहीं, मगर जो चीज़ हो रही थी वो अब एक एक्सेलरेटेड वे में हो रही है और उसका हम नतीजा देख रहे हैं। तो अगर अब भी हम नहीं चौंके और यही सोचते रहे कि साहब मनमोहन सिंह के टाइम में भी हो रहा था, इंदिरा जी ने भी इसके जुडिशरी पर कब्जा करने की कोशिश की थी, तो फिर वही नतीजा होगा साहब। लेकिन हमारे पास जो अल्टरनेटिव, एक और चीज़ ये भी देखनी चाहिए कि भाई आपको इलेक्ट इसलिए किया गया था कि आप मनमोहन सिंह और कांग्रेस की पॉलिसीज और उनके रवैये को जारी रखें या उनसे उल्टी चीज करें। तो ये कहते रहना कि भाई वो भी इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करते थे, मैं भी कर रहा हूँ, ये तो बात गलत रही। हमारा जो क्राइसिस है, हम चाहते हैं आप उस क्राइसिस को देखते, क्योंकि आज क्या हो रहा है, कर्नाटक में इलेक्शन हो रहा है, लेकिन क्या बीजेपी जीत जाएगी, कांग्रेस हार जाएगी, पूरा डिजाइन इस पे है। कोलेजियम दोबारा जस्टिस मिश्रा का नाम भेजेगा या नहीं भेजेगा, जस्टिस जोसेफ का नाम भेजेगा या नहीं भेजेगा, पूरा ध्यान इस पे है। ईडी कोई काम कर पाएगी नहीं कर पाएगी, एनपीए को लेके कोई वर्क होगा या नहीं होगा, हम एक क्राइसिस में हैं। बिल्कुल, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम सब कोलैप्स कर रहा है। तो रास्ता क्या, क्योंकि हमारे सामने कोई है नहीं बड़ा विजन।
हम बड़े छोटे विजन में आके अटक गए। बहुत बहुत ही आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही कि और हम उस मोमेंट के इवेंट पर ही फोकस कर रहे हैं, ये होगा ये वो नहीं होगा। तो इसीलिए इस किताब में मैंने जैसे दिखाया कि भाई हाँ, चीफ जस्टिस वगैरह की अपनी जो जजमेंट लिखते हैं जैसे, उसके बारे में काफ़ी वर्णन है, मगर चीफ जस्टिस एलोन तो इस क्राइसिस के जिम्मेदार नहीं है, इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस है। हमारे सामने डेंजरस सिचुएशन क्या है? चीफ चार चीफ जस्टिस का बाहर निकल कर आना, ये कहना कि डेमोक्रेसी खतरे में है, या फिर पहलू खान सरीखे लोगों को सड़क पर अधमरा कर देना और ये कहना कि ये गौमांस लेकर जा रहा था, दो सिचुएशन? वो सर, वो दोनों चीज़ें एक ही हैं, एक ही है। उसका मैं आपको बताता हूँ कि समाधान रूट कॉज ये है कि जो पॉलिटिकल क्लास है वो अब ऐसे, हमारा फिल्टरिंग मैकेनिज्म ऐसा हो गया है पॉलिटिक्स में, देखिए इलेक्टोरल सिस्टम में, कि जो कॉम्पिटेंट लोग हैं जिनका देश के प्रति बिल्कुल एक ध्यान सिर्फ एकाग्रत देश पर ही है, और जो इंटीग्रिटी के लोग हैं, वो लोग इस फिल्टरिंग मैकेनिज्म में से सत्ता में नहीं आ पा रहे। ये सेंट्रल प्रॉब्लम है इंडिया का, कि इस प्रोसेस में से कैसे लोग आ रहे हैं, लोगों के नाम पर आ रहे हैं, लोगों को गुमराह कर कर पार्लियामेंट में, असेंबलीज में आ रहे हैं, और वो फिर डिसाइड करते हैं कि भी वाइस चांसलर कौन होगा, पुलिस कैसे चलेगी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तोता होगा या बिल्ला होगा, ये सब करते हैं। तो जब आप कहते हो कि भाई इसका समाधान क्या है, हम सबको अपने इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में फिर से सोचना चाहिए। इसी तरह कि कॉन्डक्ट, अगर आप असेंबली में हैं या पार्लियामेंट में हैं, तो आपका कॉन्डक्ट क्या होगा, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर कोई गलत बात बोलता है तो उसका क्या परिणाम होगा, देखिए कैसे इंग्लैंड में अभी होम मिनिस्टर को कैसे जाना पड़ा, एक छोटी सी बात उन्होंने गलत कह दी पार्लियामेंट में, उनको एकदम रिजाइन करना पड़ा, किसी ने सोचा भी नहीं दूसरी बार। हमारे यहाँ रोज जो मर्जी कह दो। एक आखिरी सवाल छोरी जी, क्या हम लोग 2019 में भी उसी लॉटरी को लिए बैठे हैं जिसमें मोदी या राहुल गांधी? नहीं, मेरे ख्याल राहुल गांधी तो इस समय नहीं, फोकस नहीं होगा। फोकस इस तरह होगा कि जो रीजनल, कि अगर ये स्ट्रेटेजी हो कि बीजेपी के कैंडिडेट के अगेंस्ट सिर्फ एक कैंडिडेट होना है, तो उसका प्रैक्टिकल तरीका सिर्फ एक ही है कि जिसका किला जहाँ है वो उस किले में डिसाइड करेगा। अगर पटनायक ओडिशा में डिसाइड करेंगे कि भी प्रसून को टिकट मिलेगी कि यार उनको टिकट मिलेगी, कलकत्ता में ममता बनर्जी करेंगी, इसी तरह उसी से एक कोएलिशन बनेगी, और उसमें से अच्छी बने बुरी बने मुझे पता नहीं है। मगर राहुल गांधी और मोदी में सोचना कि ये होगा, वो मोदी चाहेंगे कैसा हो, ऐसा हो, ओके, क्योंकि वो काफ़ी डिस्टेंस है उन दोनों में। मगर मेरा ख्याल लोग उसमें अगर फंस गए तो फिर वही परिणाम होगा। तो इसलिए और एक्चुअली 2019 की लॉटरी इससे उसके इलेक्शन सिस्टम की लॉटरी का जो कैरेक्टर है वो इससे नहीं बदलेगा कि भी हम राहुल गांधी की जगह किसी और को खड़ा कर दें। वो एक इंस्टीट्यूशनल चेंज है जिसको लाने में बहुत टाइम लगेगा, इलेक्टोरल सिस्टम को रीडिज़ाइन करने में, क्वालिफिकेशंस लाने में। इतनी छोटी सी चीज़ थी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन को कि ये जो नॉमिनेशन फॉर्म होता है उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ये क्रिमिनल बैकग्राउंड और एसेट्स दर्ज किए जाएं। मैं उस समय अटली की सरकार में था, आपको हैरानगी होगी कि किन किन लोगों ने उसको अपोज किया। ये होते कौन है? सुप्रीम कोर्ट वाले कहने वाले, इसीलिए हमें नहीं मानना चाहिए क्योंकि ये कोर्ट वाले कह रहे हैं। ये प्रमोद महाजन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे, उनका ये बयान थे, मीटिंग्स में ये कहते थे, एक मीटिंग में ऐसे कहते थे सबने इतना। मैंने शुरू में कहा कि अटली हमें क्यों वेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन की, ये रिफॉर्म्स तो हमें करनी चाहिए। अटल जी बिल्कुल सिर्फ स्माइल करते थे, और फिर बाकियों ने शुरू किया, खासकर ये महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस ने एक के बाद एक उसको अपोज करने लगे। फिर अटल जी मेरी तरफ देख कर कहने लगे कि अब अरुण जी समझे होंगे कि किस महफिल में आए हैं। मगर मेहमान आए हैं तो जो कह रहे हैं तो वो कर दो, वैसे हुआ।
हम ये मान के चलें कि 2019 के बाद इस महफिल में फिर आप होंगे? नहीं, नहीं, हम तो किताबें लिख रहे हैं, पर किताबें पाठक पढ़ते हैं, और जो मेरी 3 किताबें हैं जुडिशरी पर, उसमें मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि भाई जजेस उन किताबों को, बहुत क्रिटिकल किताबें हैं, वो भेजते हैं कि भाई ऑटोग्राफ कर कर दे दो, तो इसमें जजेस की उदारता है, हमें उस पर कैपिटलाइज करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि भाई जज वो ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ पढ़ते नहीं हैं, कुछ सुनते नहीं हैं। नहीं, वो बेचारे सुनते हैं, वो भी उतने ही दुखी हैं। यानी आप 2019 के बाद भी किताब ही लिखेंगे? हमें नहीं लग रहा, हमें लगता है महफिल में आएंगे आप। नहीं नहीं नहीं, नहीं। किताबें लिखना आसान है। बहुत बहुत शुक्रिया शौरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मसला साफ है, गुस्सा या आक्रोश नहीं, एक निराशा है, और उस निराशा से निकलने के लिए इस पॉलिटिकल तरीके को, जो चुनाव के तरीके हैं, उसको भी बदलने की जरूरत इस देश में आन पड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देश में हरित क्रांति हो गई, पंजाब की बड़ी भूमिका रही, लेकिन अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं, उस हरित क्रांति से इतर किस स्थिति में पंजाब का एक ऐसा इलाका जिसने हरित क्रांति के लिए क्या कुछ देश को नहीं दिया, लेकिन खुद मौत के मुंह में समाया जा रहा है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए, ये कैंसर एक्सप्रेस है। कहाँ जा रहे हैं इलाज के लिए? बीकानेर जी। इसी सुनाम भी गए सी, संगरूर भी गए सी, पटियाला भी गए सी, सरसे भी गए सी, पर इलाज नहीं बने। गालजे में ट्यूमर था। 3 साल हो गए हमने। हाँ। अब तक करीब करीब 15 लाख रुपए का। तो इस ट्रेन में सवार ज्यादातर लोगों की मंजिल जोधपुर या बीकानेर नहीं, बल्कि बीकानेर के वो अस्पताल है जहाँ कैंसर का इलाज होता है। और ये कहानी किसी एक की नहीं या एक दिन की भी नहीं, बरसों बरस से ये कहानी लगातार चल रही है, और बरसों बरस से ये ट्रेन भी लगातार चल रही है, और बरसों बरस से इस ट्रेन में कैंसर के मरीज भरे रहते हैं। 90% मरीज ये कैंसर के यहीं से जाते हैं, उधर से भी वापसी भी ये ट्रेन कैंसर की वजह से फुल होती है। और हालत ये कि बठिंडा से हर रात 9:20 पर चलने वाली अबोहर जोधपुर पैसेंजर ट्रेन को लोग कैंसर एक्सप्रेस के नाम से ही बुलाने लगे, और इसी कैंसर एक्सप्रेस में 5 बरस का ये मासूम भी सवार है। नन्हा मासूम, ये बच्चा जो आपको दिख रहा है इस वक्त, शायद इसे पता भी नहीं होगा कि इसका नाम क्या है, इसे क्या हो गया, इलाज के लिए जा रहा है, इसे ब्लड कैंसर है। आप जानते हैं, अगर बठिंडा की बात की जाए, बहुत ही हाई प्रोफाइल ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हरसिमरत कौर बादल यहाँ से सांसद हैं, मोदी सरकार में वो मंत्री हैं। मनप्रीत बादल इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में वित्त मंत्री हैं। इसके बावजूद यहाँ पर ये सूरत हाल क्यों है? सरकारी अस्पतालों में इलाज की समुचित व्यवस्था क्यों नहीं है? और पंजाब के मालवा इलाके में बड़ी संख्या में कैंसर के मरीज हैं। बठिंडा के कई गांवों में परिवार के परिवार इस बीमारी की भेंट चढ़ चुके हैं। शेखपुरा गांव के सुखमंदर सिंह की 26 बरस की उम्र में कैंसर से मौत हो गई। बेटे को खोने के बाद माँ खुद इसी बीमारी से जूझ रही है, और परिवार दर्द में डूबा। 3 साल शायद कुछ याद भी ना आता हुआ पिताजी से जुड़ा हुआ। नहीं, उसे नहीं कर दा, सरकार नहीं कर दी, गवर्नमेंट नहीं कर दी, मुंडा मरिया मेरा। बठिंडा के सीविया गांव के इस लड़के की जिंदगी पर कैंसर ने ब्रेक लगा दिया है। लगातार कीमोथेरेपी ने इसे इतना कमजोर कर दिया कि पढ़ाई लिखाई बंद हो चुकी है। किस क्लास में आप पढ़ते हैं? 10th में। 10th में? हाँ जी। कब पता चला था कि ये बीमारी है आपको? जून में। हाँ जी। अच्छा, तो फिर उसके बाद कहाँ कैसे ट्रीटमेंट लिया आपने? पीजीआई में। बठिंडा में इलाज नहीं हो पाया। पर सवाल ये है, मालवा में इस कदर कैंसर की फैलने की वजह है क्या, और इसकी पड़ताल कोई करता क्यों नहीं? जबकि चुनावी मैनिफेस्टो आते हैं तो कहा जाता है कि नहीं, हम इस दिशा में देखेंगे, फिर चुनाव बीत जाते हैं, सरकारें देखना बंद कर देती है। और गांव के लोग बताते हैं कि खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए यहां लंबे समय तक किसानों ने कीटनाशकों का इस्तेमाल किया, जिसने धीरे धीरे पूरी जमीन और पानी प्रदूषित कर दिया। मुझे लगता है एक ही रास्ता है, पंजाब में स्पर्म काउंट कम हुआ, पंजाब में कैंसर की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, तो पंजाब को पेस्टिसाइड्स से पीछा छोड़ाना, वही एकमात्र रास्ता है। सोयल का पोल्यूशन हो सकता है, एयर का पोल्यूशन हो सकता है, और वाटर में पोल्यूशन है, एंड इंसेक्टिसाइड का यूज़, इससे
अपने कैंसर के जो केसेस हैं, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। तो सवाल है, जिस इलाके में कैंसर इतनी गंभीर बीमारी बनती जा रही है, वहां गरीब मरीजों के इलाज के लिए सरकारी इंतजाम है क्या? डेढ़ बरस पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी यहां आए थे, ढाई साल के अंदर एम्स निर्माण की बात भी कही, पर शिलान्यास हुआ, बात आगे नहीं बढ़ी। और देखिए जरा गौर कीजिए, वो चुनावी साल था, पंजाब में कुछ ही दिनों के बाद अब चुनाव होने थे विधानसभा के, प्रधानमंत्री का इस प्रांगण में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, लेकिन वादा जो किया गया था कि ढाई साल में एम्स बनाकर तैयार कर दिया जाएगा, डेढ़ साल होने को है और देखिए क्या स्थिति है। मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं खाली पड़ी जमीन है। हालांकि कैंसर से लगातार हो रही मौत के बाद इस जिले में पंजाब सरकार ने एडवांस कैंसर इंस्टीट्यूट खोला, तमाम मशीनें लगवाई, लेकिन डॉक्टरों का कहना है स्टाफ नहीं है और मशीन कोई रोबोट तो नहीं कि खुद जांच पर रख ले। यानी सरकारी अस्पताल है तो तरीका वही रहेगा। और हालत यह है कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के मुताबिक 2007 से 2012 के बीच कैंसर की वजह से 34,559 मरीजों की जान चली गई। 2015-16 में पंजाब के सिर्फ सरकारी अस्पतालों में कैंसर से 11,595 मरीज आ गए। और ये तमाम आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि किसी को कोई फिक्र नहीं, जो मर रहा है वो मरने के लिए जी रहा है, जो जी रहा है उसे सामने मौत नजर आ रही है। एक सवाल यह भी है कि दूसरी हरित क्रांति तो हो गई और बहुत सारी उपज पंजाब से निकल भी आई, किसान रईस भी हो गया, लेकिन जिस तरह से कीटनाशक अपनाए गए उसके बाद जमीन बंजर नहीं हुई बल्कि जमीन मौत उगलने लगी, और उसी की पहचान ये कैंसर। पंजाब के बठिंडा से अखिलेश आनंद की रिपोर्ट। मुश्किल यह नहीं कि एक कैंसर एक्सप्रेस चलती है, मुश्किल तो यह है वहां जो लोग रहते हैं। जरा उनकी बात सुनिए। यहाँ के लड़के और लड़कियों के शादी के रिश्ते बिल्कुल नहीं लोग कर रहे हो, और गांव के ये समस्या मेरे गांव में आ रही है, क्योंकि जहाँ भी 30-35 लोग हैं जो मेरे नॉलेज में हैं भी कैंसर के मरीज हैं। लड़की को शादी में बहुत दिक्कत आती थी, उसके गांव का जब पता चलता था कि जज्जल जहाँ गन्ना है, दो गांव हैं वहाँ, लड़की का मान लो रिश्ता नहीं होता था। अच्छा। कैंसर की वजह से लोग डरते हैं, हमारे गाँव में रिश्ता करने से डरते हैं, हमारे गाँव का रिश्ता लेने से डर रहे हैं। गन्ना गाँव में कैंसर की बीमारी बहुत ज़्यादा है, अब भी हमारे गांव में 3-4 आदमियों को है कैंसर का। ये है ABP News, आपको रखे आगे।